तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हम हाइड्रोलिक से रिलेटेड बहुत सारे कमल जमाला स्टेज लेकर के आते रहते हैं और आज हम आपके लिए एक यूनिक और अलग कमल जमाला स्टेज लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है तो आज हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। जैसे कि अभी हम जो बात कर रहे थे कमल जमाला स्टेज के लिए बात कर रहे हैं, अब मैं बात करता हूँ साइज को लेकर। फिरोज भाई सामने से बोलो। पहली चीज इसकी हाइट की बात करें, ये 5 फीट के अपने फ्रेम पे बना हुआ है। इस पर अपना 10x10 का प्लेटफॉर्म आता है और जैसे कि जो कहते हैं कि हाली के एंगल में होना चाहिए, समझना चाहिए, मैं आपको दोनों चीज बताना चाहूँगा कैसे होता है। ये जो मशीन है ना सेंटर वाली, आप देख सकते हैं इस पे जो मजबूती की बात करता हूँ, पहले इस पे आप देख सकते हैं पूरा अपना 35° की एंगल लगी हुई है जिसके थ्रू ये मजबूत अपना एकदम सॉलिड बना हुआ है। और ये अपना इसका फ्रेम हो गया अपना, इसे चक्रा बोलते हैं। इस पे अपनी रिवॉल्विंग चलती है और इसमें जो मैनुअल के लिए ऑप्शन डलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड डाली जा रही है। बाकी 2x2 के फ्रेम में ना पहिए नहीं लगते। अब मैं इसकी नीचे की बात करता हूँ, जो नीचे का फ्रेम है ये भी अपना पूरा का पूरा एंगल में बना हुआ है। ये सपोर्ट के लिए पाइप डले हुए हैं इसमें 1.5 इंची और ये अपना एंगल है। आपको बताना चाहूँगा ये पूरा का पूरा जैसे सपोर्ट चाहिए एक मशीन को खड़ी करने के लिए, वो पूरा है इसमें। आइए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये जो फ्रेम बना हुआ है ये अपना कमल जयमाला स्टेज का है। कहीं भी कोई पाइप यूज़ नहीं है, एंगल के फ्रेम में बना हुआ है और काफी मजबूत। अब इसके अगेंस्ट में दूसरी मशीन दिखाता हूँ, जैसे कि पार्टी बोलती है कस्टमाइज करने के लिए। वो तो 5 फुट के प्लेटफॉर्म में हो गया, ये अपना 4.5 के प्लेटफॉर्म में आएगा। ये एक्चुअल क्या है ना, दोनों मशीनों में डिफरेंस बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास सब तरह के पीस कस्टमाइज होते हैं। ये अपना साइज बड़ा है उस मशीन के मुकाबले जो सामने अभी मैंने दिखाई। इसमें पहिए लगते हैं, उसमें पहिए का ऑप्शन इसलिए नहीं सकते क्योंकि उसका साइज कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहिए लगे हुए हैं। इस मशीन को ले जाने के लिए सबसे इजी पोर्शन क्या होता है, इसे 2 जन भी इसे आराम से अपना व्हील्स पे ले जा सकते हैं। बाकी सेम है मशीन में, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका नीचे का होता है कि अपना नीचे का बेस नहीं आता क्योंकि इसका साइज इतना होता है कि अपना ये वेट ना ईजिली कैरी कर सकता है। बट लेकिन उस मशीन की बात करूँ 2x2 के फ्रेम में वो अपना वेट कैरी नहीं कर पाता, इसलिए नीचे की आप उसे पूरा का पूरा फ्रेमिंग करके देते। चलिए जी आइटम क्या क्या है इसके साथ। अपना बाउंड्री आती है, बाउंड्री में दिखाना चाहूंगा जो आप कोने में देख सकते हैं। 2 पीस होते हैं बाउंड्री के। बाकी ये मेरे पीछे देखिए पत्ते खड़े हैं, ये बड़े वाले पत्ते। टोटल इसका जो प्लेटफॉर्म रहता है 10x10 का प्लेटफॉर्म है और इसमें 21 पत्ते अपने छोटे वाले रहते हैं 3 फीट के और 6 रहते हैं बड़े वाले। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मशीनें खड़ी है जिनमें पहिए लगे हुए हैं। पहिए इसलिए लग पाए क्योंकि इनका साइज बड़ा है, ये ताकि ना अपना क्या बोलते बैलेंस खुद ही मेंटेन करें। इसमें एक छोटा जीना भी रहता है 2 स्टेप का और प्लेटफॉर्म के साइज तो आप देख सकते हैं। और आपको मैं और दिखा देता हूँ जैसा अपना एंगल में बना हुआ है। ये अपने जो फ्रेम है एज इट इज रहता है, ये एंगल के अंदर ही बना हुआ है। और चलिए मैं आपको और चीज इसके लिए मैं गाइड भी कर देता हूँ आपको। अपने यहाँ पे सिर्फ ओनली जयमाला स्टेज का काम नहीं होता, हमारे यहाँ पे और भी कई आइटम है। जैसे कि रिंग सेरेमनी हो गया, रिंग सेरेमनी का पीस आप देख सकते हैं ये सामने रखा हुआ है। और इसके अपार्ट अपने पास ब्राइडल एंट्री काफ़ी चलती है, तो ब्राइडल एंट्री में आपने जो देखा होगा विंग्स वाले पीस, ये उसी की ट्रॉली है। और ट्रॉली के अंदर जो अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है, अपना DC लो, AC, मैनुअल, हम हर तरह की ट्रॉली कस्टमाइज करते हैं। आप सामने भी देख सकते हैं आप, ये अपनी ना कस्टमाइज की हुई है, ये जो विंटेज गाड़ी के लिए ही होता है। अभी इसका जस्ट फ्रेम ही रेडी हुआ है, अभी फ्रंट वाले व्हील लगने बाकी है क्योंकि इसका स्टीयरिंग की वजह से काम रुका हुआ था। बाकी अब मैं आपको इसके क्राउन वाले ज़्यादातर अपना ये महाराष्ट्र सर्कल हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पे जाते हैं। इसकी जो ट्रॉली का साइज़ होता है ना, पार्टी जैसे मर्जी कस्टमाइज करा सकती है हमसे, बट इसका एक्चुअल जो साइज़ जाता है अपना 4-6 की मशीन रहती है, वही इसको डिलीवर करते हैं। बाकी अपना ये सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट भी अपना कई तरह के हैं अपने पास, पर ये जो एक डेकोरेटिव पीस में आ जाता है ज़्यादातर जो हम नई चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी जैसे कमल वाली मशीन की बात मैंने आपसे करी थी,
कमल वाली मशीन अपनी जिस तरह की कहेंगे उस तरह की अपने पास कस्टमाइज की जाती है। बाकी मजबूती की बात जो आप ज़्यादातर पार्टी हमसे पूछते कि मजबूती कैसी, मजबूती आपके सामने है, एंगल के फ्रेम में बना हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं सामने जो भी है पूरे का पूरा आइटम अपने पास रेडी है। मैंने दोनों मशीनें दिखा दी, दोनों मशीनों में जो डिफरेंस है अपने पास 2x2 में भी है, 30 इंची बाय 30 इंची का भी बनी हुई है, उसमें अपना बड़े साइज का ये प्लस पॉइंट होता है जो मैंने अभी आपको बताया था, पहिए लग सकते हैं, पहियों पे आप इसे कहीं भी रोटेट करके ले जा सकते हैं अपने साथ। बाकी उस मशीन में यही जो मैंने बताया आपको उसमें फ्रेम बड़ा है बट लेकिन पहिए नहीं ले सकते उसमें, क्योंकि उसका जो मशीन का जो फ्रेम होता है सेंटर मशीन का वो 2x2 का पीस है। बाकी जो वीडियो देख रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस दोनों मेंशन है, आप हमें ऑन कॉल भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इवन आप मैं सबसे यही कहना चाहूँगा आप गोडाउन पे विजिट कीजिए, गोडाउन पे जितना विजिट करेंगे वो आपकी चीज़ें सामने रहेंगी। उस टाइम ये नहीं है कि वीडियो देख के ही बात होगी, आपके सामने चीज़ होगी तो फिर मशीनें भी आपको समझ में आ जाएंगी इजीली। क्योंकि चीज़ों में होता क्या है जब तक सामने नहीं होता ना तो सामने वाले के माइंड में एक ही चीज़ें घूमती रहती है कि हाँ चीज़ अच्छी है या नहीं है, या ख़राब है सही है, और बाकी आप आके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया कि एड्रेस और नंबर दोनों मेंशन है, आप फोन कॉल भी इंक्वायरी कर सकते हैं, इवन आप गोडाउन भी विजिट करके भी आके मशीनें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।